हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो बुक्स में इंडेक्स दी होती है उसमें सारे चैप्टर्स आपके दे रखे होते हैं, लेकिन आपके INC के अकॉर्डिंग जो आपका लेटेस्ट सिलेबस होता है आपको बस वही पढ़ना होता है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए और बाकी आपके प्रैक्टिकल वर्क के लिए। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अब आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पे इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इंग्लिश का सिलेबस आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहला है कि स्पीक एंड राइट ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश। आपका क्या है रिव्यू ऑफ कंटेंट में, क्या है आपका रिव्यू ऑफ ग्रामर है, रेमेडियल स्टडी ऑफ ग्रामर है, बिल्डिंग वोकेबलरी है, फोनेटिक्स है, पब्लिक स्पीकिंग है। वहीं आपका वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंपोजिशन है, जिसमें आपका लेटर राइटिंग आती है, नोट मेकिंग आता है, प्रिसाइज राइटिंग आती है, नर्सिस नोट्स आते हैं, एनिकडोटल आता है, आपका डायरी राइटिंग आती है, रिपोर्ट्स आती हैं, रिज्यूम आता है। वहीं पे आपकी स्पोकन इंग्लिश में आती है ओरल रिपोर्ट होती है, डिस्कशन होता है, डिबेट है, टेलीफोनिक है। वहीं लिसनिंग कंप्रहेंशन में आता है आपका मीडिया, ऑडियो, वीडियो एंड स्पीचेस एक्सेट्रा। तो ये हमारा है इंग्लिश का सिलेबस। ये जो है आपका इंटरनल होता है, इसके जो आपका पेपर आता है वो आपके कॉलेज वाले ही बनाते हैं। अब बात करते हैं हम आपके एनाटॉमी की, आपका एनाटॉमी का क्या सिलेबस है। तो इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसमें आपका ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर आता है, टिश्यूज़ आते हैं, आपके पूरा चैप्टर आता है। इसमें आपका मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स आते हैं। वहीं स्केलेटल सिस्टम में आपकी बोन्स हैं, बोन फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है बोन का, जॉइंट्स हैं। मस्कुलर सिस्टम में आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स हैं, मसल ग्रुप्स हैं। वहीं नर्वस सिस्टम की बात करें हम, तो यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोलॉजी है, न्यूरोन, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक है, एप्लीकेशन है आपके नर्सिंग में। सेंसरी सिस्टम में आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, आई, ईयर, नोज है आपका, अल्ट्रेशन है उनकी, कुछ डिजीज दे रखी है, एप्लीकेशन है और इम्प्लीकेशन हैं। वहीं बात करें सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेजल है, सर्कुलेशन है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वहीं अल्ट्रेशन इन डिजीज़ है, एप्लीकेशन है और नर्सिंग में क्या आपका यूज़ होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स है, मसल और रेस्पिरेशन है आपका, अल्ट्रेशन इन डिजीज़ है, एप्लीकेशन है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें आपका स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, अल्ट्रेशन है और एप्लीकेशन। एक्सक्रेटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर है ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, अल्ट्रेशन और वही सेम आपका एंडोक्राइन सिस्टम है और फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इंक्लूडिंग ब्रेस्ट। तो ये है आपका आपका एनाटॉमी का सिलेबस है। वही बात करते हैं हम फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में आपकी सेल की फिजियोलॉजी है, टिश्यू, मेम्ब्रेन, अल्ट्रेशन, स्केलेटल सिस्टम है आपका, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम आपका दे रखा है, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका यहाँ पे, इसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन है, मैकेनिक ऑफ रेस्पिरेशन है, गैसेस एक्सचेंज है, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका पूरे फंक्शंस दे रखे हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम है आपका, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, लिम्फेटिक और इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है। दोस्तों जो आपका पेपर होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का वो एक ही पेपर होता है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनाटॉमी से, कुछ पूछे जाते हैं आपकी फिजियोलॉजी से, बुक आपकी सेम रहती है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में क्या आता है, न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन आता है आपका, फिर आपका है यहाँ पे रोल ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मेंटेन करने में हेल्थ को, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में, पॉलिसीज़ क्या क्या बनी है, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं हमारे न्यूट्रिशन को, क्लासिफिकेशन है हमारा, फिर नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद हमारा फैट्स यहाँ पर दे रखा है, क्लासिफिकेशन है, कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, डाइटरी सोर्सेज हैं, फंक्शंस हैं। वहीं प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन है आपका, डाइटरी सोर्सेज हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे अब्जॉर्प्शन होता है इसका वो दे रखा है, माल न्यूट्रिशन यानी कि डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा या ओवर कंजम्पशन से क्या होगा। वही एनर्जी है आपका यहाँ पे, विटामिन हैं, मिनरल है। नेक्स्ट है आपका कुकरी रूल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे आपके, बैलेंस डाइट है, रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स है आपका। तो यहाँ मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप देख सकते हो अच्छे से कि आपका क्या सिलेबस दे रखा है, ये आपका न्यूट्रिशन का। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो इंट्रोडक्शन है पहले, तो आपका डेफिनेशन है, रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, ये सब दे रखा है, स्ट्रक्चर और फंक्शन है आपके सेल मेम्ब्रेन के, कंपोजिशन और मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट का, वहीं कंपोजिशन और मेटाबॉलिज्म है आपका लिपिड का, यहाँ पे अमीनो एसिड और प्रोटीन्स का दे रखा है आपका, विटामिन और मिनरल्स का है, फिर इम्यूनो केमिस्ट्री है। तो आपको जो बायोकेम और न्यूट्रिशन का पेपर है वो भी एक साथ होता है आपका।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम नर्सिंग फाउंडेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें आपको इंट्रोडक्शन आता है, इसमें कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके हेल्थ को, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, बॉडी डिफेंस, इम्पैक्ट है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, ये सब दे रखा है आपका। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन कैसे करके आया ये दे रखा है। हॉस्पिटल में एडमिशन डिस्चार्ज की क्या प्रोसेस होती है पूरा यहाँ पे समझा रखा है आपको। कम्युनिकेशन और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या है आपका, इसमें क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पे लिख रखे हैं, जिससे आप क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम में। वही नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आपकी नर्सिंग प्रोसेस का ओवरव्यू दे रखा है पूरे यहाँ पे, असेसमेंट कैसे करना है आपको, फॉर्मेटिंग कैसे करना है, नर्सिंग जजमेंट आपका। वही डॉक्यूमेंटेशन है, रिपोर्टिंग दे रखी है। वाइटल साइंस है आपके, वाइटल साइंस में आपका आता है बॉडी टेम्परेचर है, फिजियोलॉजी है आपकी, और उसके बाद में पल्स है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है। वही हेल्थ असेसमेंट कैसे करते हैं आप किसी का, वो पूरा दे रखा है यहाँ पे। मशीनरी इक्विपमेंट और लिनन्स हैं आपके, जो आपके हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं। वही मीटिंग नीड्स हैं आपके पेशेंट की, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सारी दे रखी हैं। सेफ्टी डिवाइसेस, रिडक्शन फिजिकल हैजार्ड्स होते हैं हमारे। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद में फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस दे रखा है आपका पूरा। फिर है इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स में, आपको इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करना है आपको। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, कैसे करके मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है आपका, क्या प्रिस्क्रिप्शन होगा, आप कितनी डोजेज में आपको देना है, सब पूरा यहाँ पे आपको बताया जाएगा अच्छे से, किस रूट से देना है आपको। मीटिंग नीड्स के आपके पैरी ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट होगा उसकी मीटिंग। स्पेशल नीड्स, हमारे जो कुछ पेशेंट की स्पेशल नीड्स होती है उनको कैसे करके मीट करना है। हमारे जो टर्मिनली इल पेशेंट हैं उनकी केयर हमें कैसे करनी है, ये हमारा हो गया F1 का। अब हमारा F1 का प्रैक्टिकल भी होता है, तो उसका भी अलग से यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या आपका सिलेबस है प्रैक्टिकल का, जो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो इंट्रोडक्शन है, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर है आपका, कॉग्निटिव प्रोसेस है आपकी, मोटिवेशन इमोशनल प्रोसेस है, पर्सनैलिटी है, डेवलपमेंट है साइकोलॉजी का, मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ है आपका, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। वही माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इंट्रोडक्शन है, इसमें आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है माइक्रोब्स की, इन्फेक्शन कंट्रोल है आपका, बायोमेडिकल वेस्ट है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे आपके, इम्यूनिटी। तो ये हमारा सारा किसका हो गया, माइक्रोबायोलॉजी का। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का आपका जो है ये भी एग्ज़ाम आपका इंटरनल होता है, इसमें आपको दे रखा है इंट्रोडक्शन है आपका, इंट्रोडक्शन टू डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ईजी होता है आपको, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं आता है, मल्टीमीडिया, यूज़ ऑफ इंटरनेट और स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, और आपका है लास्ट में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम टाइप्स एंड यूजेस। तो ये पूरा आपका सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, यहाँ मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया है। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नया अपडेट हो, जैसे आपके लेक्चर्स आपको मिलेंगे इस चैनल पर BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के, तो आपको तुरंत उनका अपडेट मिल जाए। और अगर अब तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कराया तो प्लीज़ जाओ जा करके ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।